मोटो जी 34 5G। इस वाले फोन को मैंने एक मंथ पहले बाय किया था एंड फोन को मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक के यूज किया। दैट्स व्हाई वीडियो में मैं आप लोगों को इस वाले फोन का रिव्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ इतने दिनों का, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस टाइम पे इस वाले फोन को लेना वर्थ इट रहेगा या फिर नहीं। नाउ वीडियो हमारी होने वाली है 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फोन की स्पेसिफिकली गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में फोन के ओवरऑल अदर फीचर्स, चार्जिंग, बैटरी, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड पार्ट हमारा रहेगा कंक्लूजन कि आप लोगों को फोन बाय करना है या फिर नहीं करना है। सो चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई, फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। देखो इस वाले फोन में आप लोग ओवरऑल ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हो, और अगर आप लोग 10,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखो उस केस में तो आप लोग बहुत ही बढ़िया गेमिंग कर सकते हो। फोन BGMI को एकदम स्मूथली चला के देता है आप लोगों को। 40 FPS का आप लोग अच्छा खासा गेम प्ले फोन में कर पाते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह अगर आप लोग करना चाहो TDM की आप लोग कर सकते हो, लेकिन एरेंगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ फोन बहुत लैग करता है। देन अदर गेम्स में आप लोगों को और ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस फोन के साथ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फोन में आप लोगों को जायरोस्कोप भी मिल जाता है। फोन का जायरो परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट है। एज लॉन्ग एज आप लोग एकदम 100% जायरो सेंसिटिविटी में नहीं खेलते हो, आप लोगों को जायरोस्कोप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिले है लेकिन आप लोग उसको उतना ज्यादा नोटिस नहीं कर पाओगे, एंड आराम से आप लोग फोन के साथ जायरोस्कोप का गेम प्ले भी कर सकते हो। ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें फोन की, तो आप लोगों को कोई भी ऐसा बग्स या फिर ग्लिचेस फोन में देखने को नहीं मिल रहे हैं। सभी टास्क फोन स्मूथली रन करता है। गेमिंग को छोड़ के किसी भी अदर एप्लीकेशन वगैरह में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो डिस्प्ले फोन का काफी सही है। आई नो कि फुल HD+ डिस्प्ले नहीं है, लेकिन 120Hz की स्मूथनेस आप लोगों को डेफिनेटली फील होने वाली है। एंड कुछ दिनों में आप लोगों को HD+ की आदत भी लग ही जाएगी जैसे तैसे करके। और अगर आप लोगों ने पहले से फुल HD+ नहीं चला रखा है तब तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी फोन का टच रिस्पॉन्स भी मुझे काफी सही लगा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बैटरी बैकअप भी फोन का आप लोगों को काफी डिसेंट देखने को मिल रहा है। मैंने 100% बैटरी ड्रेन तो फोन की करके नहीं देखी, लेकिन गेमिंग वगैरह करने के बाद भी आप लोगों को उतना ज्यादा बैटरी में ड्रेनेज नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़िया बात है। एंड अगर आप लोग गेमिंग नहीं करते हो तब तो आप लोगों को फोन का बैटरी बैकअप काफी इंप्रेसिव लगने वाला है। बात करें चार्जिंग की तो चार्जिंग भी काफी डिसेंट है। आई नो कि ये उतनी ज्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को चार्जर पहले से बॉक्स में देखने को मिल रहा है। प्लस 10,000 का ही फोन है, इसलिए हम लोग चार्जिंग के बारे में बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जितने भी फोन आप लोगों को 10,000 में देखने को मिल रहे हैं उनसे तो फास्ट ही चार्जिंग आप लोगों को इस वाले फोन में मिल रही है। कैमरा वगैरह भी मैंने यूज किया, काफी डिसेंट फोटोज आप लोग क्लिक कर सकते हो फोन के साथ, वीडियोज भी अच्छे खासे रिकॉर्ड कर सकते हो। फिंगरप्रिंट भी फोन का एकदम परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। ओवरऑल मैंने जितना भी फोन को यूज किया मुझे अभी तक के एक भी प्रॉब्लम फोन में देखने को नहीं मिली। हीट वगैरह भी फोन नहीं करता है। अगर आप लोग गेमिंग करो तब बस फोन हल्का फुल्का हीट कर जाता है, बाकी नॉर्मल यूजेस में फोन बिल्कुल हीट नहीं करता है। एंड एक चीज और मुझे फोन की अच्छी लगी, फोन में आप लोगों को जो वेगन लेदर देखने को मिल रहा है उसकी वजह से आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स वगैरह फोन में नहीं आते हैं। तो जो लोग बिना केस के अपने फोन को यूज करते हैं उन लोगों के लिए ये वाली चीज बहुत ही बढ़िया हो सकती है। फाइनली बात कर लेते हैं कि क्या इस टाइम पे आप लोगों को इस वाले फोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से फोन आप लोगों को अभी भी 10,000 के हिसाब से वन ऑफ दी बेस्ट स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस वाले फोन का सक्सेसर ऑलरेडी आ चुका है जिसमें आप लोगों को इससे अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, बाकी सब स्पेक्स सेम है। एंड जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ मोटोरोला के G45 की, जो कि अभी लॉन्च हुआ है। उसमें भी आप लोगों को डिक्टो ऐसी स्पेक्स देखने को मिलती है, बट प्रोसेसर उसमें थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा पावरफुल देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस दोनों फोन का सेम है। अब क्योंकि दोनों फोन का प्राइस सेम है, ऑब्वियसली आप लोगों को G45 के साथ जाना है, बट अगर फ्यूचर में हमारे मोटो G34 का प्राइस थोड़ा और कम होता हुआ आप लोगों को देखने को मिलता है, आप लोग इसे भी बाय कर सकते हो। क्योंकि अगर इस टाइम पे मैं रैंकिंग भी करूँ ना 10,000 की, तो नंबर 1 पे मैं G45 को रखूंगा, लेकिन नंबर 2 पे G34 ही रहने वाला है। दैट्स व्हाई अगर आप लोग अभी भी इस वाले फोन को बाय कर लेते हो कोई भी दिक्कत आप लोगों को फेस करने को नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया फोन है, स्टॉक एंड्रॉइड वाले एक्सपीरियंस के साथ भी आता है, तो लंबे समय तक के भी आप लोग फोन को आराम से यूज कर पाओगे। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोटो के फोन में अपडेट्स वगैरह नहीं आते, बट मोटो ने ये वाली प्रॉब्लम फिक्स कर ली है। अभी तक के मुझे फोन में अपडेट्स भाई टाइम पे ही देखने को मिले। बाकी बस वीडियो में इतना ही, होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। एंड इस फोन से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई डाउट्स रह जाते हैं आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में उन्हें डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा यहां तक के अगर वीडियो देख लिए और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, फटाफट से कर लो यार सब्सक्राइब इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।